अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फरवरी महीने में कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है और आगामी 7 फरवरी से 20 फरवरी तक जिला महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिमला पर्चा वितरण हस्ताक्षर अभियान धरना प्रदर्शन के साथ ही सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। हमीरपुर में जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर छात्रों के हितों की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए हैं और चेतावनी दी है कि अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फरवरी महीने में कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है और आगामी 7 फरवरी से 20 फरवरी तक जिला महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय शिमला पर्चा वितरण हस्ताक्षर अभियान धरना प्रदर्शन के साथ ही सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। हमीरपुर में जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर छात्रों के हितों की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए और चेतावनी दी कि अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किए जाएंगे। ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार ने फीस वृद्धि कर गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है और महाविद्यालय में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर जिला विभाग केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है और धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार छात्र संघ चुनावों को बहाल करे और छात्र हितों का काम करे। 7 फरवरी को अपने इकाई स्तर पे जो है पर्चा वितरण रहेगा। इसमें विद्यार्थी परिषद जो ये आंदोलन कर रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो प्रदेश सरकार का रवैया है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उनको लेकर प्रदेश सरकार के जो है मांग पत्र बार बार सौंपती रही है, ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया, लेकिन प्रदेश सरकार की नींद जो है फिर भी नहीं टूट रही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के जो जहाँ हम फीस वृद्धि की बात करें, फीस वृद्धि है, कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं, विश्वविद्यालय हैं ऐसे हैं जिनके पास अपना कैंपस नहीं है, एक सही कैंपस नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है विद्यार्थियों को। वहाँ पे उन विद्यार्थियों के परिवार का पैसा लग रहा है, वो चाहे एक मजदूर वर्ग का हो, एक किसान वर्ग का है, तो उस पैसा जो लग रहा है वहाँ पे, लेकिन उनके बच्चों को उस प्रकार की जो सुविधा देने में प्रदेश सरकार नाकाम है। अगर हम देखते हैं तो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं और प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय की जो योजना है वो केवल कागजों तक सीमित हैं, हम जमीनी स्तर पर उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। हम उनको समय समय पर विद्यार्थी परिषद जो है अवगत करवाती रही है, चाहे वो छात्र संघ चुनावों की बात हो, तो छात्र संघ चुनावों के लिए भी विद्यार्थी परिषद ने पिछले पूर्व सरकार में से आंदोलन करती आई है, इस सरकार में भी आंदोलन चले हुए हैं, लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके कान में जो है जूं तक नहीं रेंग रही है विद्यार्थी परिषद। वो किस प्रकार की विद्यार्थी परिषद देखना चाहते हैं वो बता दें। अगर वो विद्यार्थी परिषद का वही रूप जो 30 मार्च 2017 को हुआ था ऐसा देखना चाहते हैं तो वो पहले ही बता दें, अगर उन्होंने विद्यार्थी परिषद के इस मांग को पूरा नहीं करना है। इस तरह प्रदेश के अंदर जो है किस प्रकार छात्रों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल हवाई यात्रा करते हैं और उन्हें सड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वे 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, मगर हमीरपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के हालात खराब हो चुके हैं, मगर कोई सुध लेने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री खुद आते हैं, अपने हेलीकॉप्टर में आते हैं, एक जगह उतरते हैं, वहाँ से गाड़ी जो है जाती है और अपने जहाँ पे उन्हें कार्यक्रम करना है वहाँ पे जाते हैं। उन्हें तो हिमाचल प्रदेश की सड़कों की हकीकत का भी पता नहीं है, जो कि दावा करते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश की जो 68 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे 2 बार पहुँच चुका हूँ, वहाँ की जनता जनमंच वहाँ पे जो है प्रदेश सरकार ने करवाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सड़कों की, हम हमीरपुर की ही बात करें तो हमीरपुर के इधर इस दायरे से निकलने के ये जो अपना इधर से यहाँ पे अधिकारी रहते हैं, यहाँ पे DC उनका आना जाना है, रेजिडेंसी है, तो हम देखते हैं कि ये तो थोड़ा इधर का है, लेकिन इधर से 7 किलोमीटर के आगे जैसे ही गाड़ी जाती है तो आगे जो सड़कें हैं उनकी हालात किस प्रकार से हैं वो हम सभी को, हम उनसे परिचित हैं कैसी सड़कें हैं, कैसा वहाँ से यातायात हो, तो इससे दुर्घटना की जो है रहती है।
विद्यार्थी परिषद का कार्य है जो समाज के आगे जो बुराई है उनको लाना है। तो वाकई में मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उसके कांग्रेस को समर्थन देने की बात नहीं है, हम एक आम जनमानस की जो समस्या है उनको बता रहे हैं कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर में आते हैं और सड़कों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, उसमें कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं है विद्यार्थी परिषद।